गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे हम कर रहे हैं लेक्चर्स। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने आपको बताए 4F वाले लैंथेनाइड्स और हमने आपको बताए 5F वाले एक्टिनॉइड्स। और हमने लैंथेनाइड्स की आपको प्रॉपर्टीज बताई स्टूडेंट्स, और इनकी रिएक्शंस भी बताई कि ये काफ़ी रिएक्टिव हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं +3 होती है कॉमन, और +2 और +4 में भी कुछ मिले। और हमने लैंथेनाइड्स के बारे में बताया स्टूडेंट्स कि ये कई आयंस जो हैं वो कलर्ड होते हैं, और इसी तरह उनके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं आयंस में, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती हैं। और हमने इनका यूजेस भी बताया स्टूडेंट्स। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट यूज मैंने लैंथेनाइड का कहाँ बताया स्टूडेंट? कौन सा एलॉय था जो लैंथेनाइड से बनाया गया जिससे बुलेट्स बनती हैं स्टूडेंट? बताइए, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट यूज बताइए लैंथेनाइड्स के स्टूडेंट। देखो, यूजेस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये प्योर स्टेट में यूज नहीं होते, लेकिन कंपाउंड्स तो होते हैं। कौन सा मैंने बताया था स्टूडेंट वेल नोन एलॉय ऑफ लैंथेनाइड? बताइए, क्वेश्चन में था व्हाट इज द वेल नोन, बताइए वेल नोन एलॉय ऑफ, बताइए एलॉय ऑफ लैंथेनाइड का नाम बताइए जो बहुत यूज होता है स्टूडेंट, कौन सा है स्टूडेंट्स लैंथेनाइड्स का एलॉय? आपको पता है या भूल गए हो? एनर्जी को कायम रखो और क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करो, फिर क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे और आपको फायदा होगा। बताइए कौन सा मेटल था, नाम बताइए उसका एलॉय का। मिश मेटल, मिश मेटल का हमने आपको बताया। इसमें कितने परसेंट होता है लैंथेनाइड्स होते हैं, कितने परसेंट लैंथेनाइड्स होते हैं स्टूडेंट? लैंथेनाइड जो मेटल्स हैं इसके अंदर, लैंथेनाइड मेटल्स कितने परसेंट बताए थे हमने इसके अंदर स्टूडेंट? लैंथेनाइड्स मेटल होगा 95% के अराउंड, और आपको आयरन होगा इसमें अराउंड 5% के अराउंड, और उसके बाद में मिलेंगे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जिनके ट्रेसेस मिलेंगे। किन किन के मिले थे? सल्फर है, कार्बन है, इस तरह कैल्शियम और एल्युमिनियम, इस तरह से। ये एक इम्पोर्टेंट था, आपको बताया था हमने, ये वेल नोन एलॉय है जिसका काफ़ी यूज होता है स्टूडेंट्स। और इनके बारे में हमने आपको बताया कि ये कैमिल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं स्टूडेंट? कैमिल्यूमिनेसेंस, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को एमिट करेंगे जब ये एक्साइट हो जाएंगे, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो लाइट की प्रेजेंस में वो एनर्जी बाहर आएगी स्टूडेंट, और इसी के कारण इनके हमने बताया था कि इनका इम्पोर्टेंट यूज़ हो रहा है। वो जो फास्फोर्स जो होते हैं टीवी स्क्रीन्स में, उनका यूज़ होता है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैरामैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई। आप देखो कि अगर मैं एक्टिनाइड्स की जनरल बताऊं कि एक्टिनाइड्स के बारे में, तो हमने एक्टिनाइड्स के बारे में आपको बताया स्टूडेंट कि एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम से शुरू हुए थे आप, उसका एटॉमिक नंबर 89 था और पहला एलिमेंट था थोरियम 90। थोरियम के बाद कौन सा आया था जल्दी से बताइए, थोरियम के बाद किसका नाम आएगा? याद है या भूल गए हो? जल्दी बताओ। तो ये 91 एटॉमिक नंबर, देखो ये सारी चीजें हमें लर्न करनी है स्टूडेंट, लर्न करनी है। और आपको पता है 92 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होता है, एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है 92 वाला यूरेनियम स्टूडेंट, इसको पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद में 93 पर आपको क्या मिला था? नेपच्यूनियम स्टूडेंट। और 94 पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिला PU। बताओ PU का यूज कहाँ होता है, PU का यूज कहाँ होता है? ये भी है, ये भी है, ये काफी यूजेस में आ रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जब हम आपको ऐसे नाम बताते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और उनका क्या यूजेस है। इनके यूजेस के कारण ही तो हम इनको स्टडी कर रहे हैं, कहाँ इनके एप्लीकेशन हैं, कहाँ पे यूज होते हैं। और अभी हमारा जो डिस्कशन है वो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं, जो इस पे क्वेश्चन आया था, बिटवीन एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स स्टूडेंट। एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स के अंदर इसका लास्ट एलिमेंट का नाम बताओ कितना था, एटॉमिक नंबर 103।
और यहाँ पर आया है लॉरेंशियम। लॉरेंशियम से पहले वाला एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट? NO, नोबोलियम। तो नोबोलियम का एटॉमिक नंबर 102 है स्टूडेंट, 102 है। तो देखो ये कुछ कुछ तो हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है पेपर में स्टूडेंट। तो ये हमें लर्न करना ही है। सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट वंस के तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पेपर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर एक्टिनाइड्स के बारे में डिस्कशन हुआ, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जनरल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स स्टूडेंट्स। तो ये सिल्वरी अपीयरेंस के होते हैं, दे आर सिल्वरी वाइट स्टूडेंट। तो इनकी अपीयरेंस सिल्वरी है, सिल्वरी अपीयरेंस है। लैंथेनाइड्स की भी सिल्वरी अपीयरेंस बताई गई थी आपको। और ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये जो इनके मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, दीज मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। और इन जो एक्टिनाइड्स के कैटायंस हैं, एक्टिनॉइड के जो कैटायंस हैं स्टूडेंट, आयंस जो हैं इनके जो आयंस हैं स्टूडेंट, वो कलर्ड होते हैं। और कंडीशन क्या है कलर्स की, कलर्स की कौन कौन से कलर्स होंगे और कौन से कलरलेस होंगे, यहाँ पे ही क्वेश्चन की बात मैंने बार बार आपसे की। कंडीशन क्या है, कलर इज ड्यू टू स्टूडेंट एफ ट्रांजिशन। तो एफ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कलर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक, मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एफ टू एफ सब शेल में होता है। यहाँ पर 5F वाले हैं सब शेल, कौन से हैं सब शेल, मेरे पास 5F के सब शेल इन्वॉल्व है स्टूडेंट। तो जो कैटायंस होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, FF ट्रांजिशन हो सकती है, तो वो कलर्ड होंगे। लेकिन कुछ आयंस जो हैं वो कलरलेस होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि कौन कौन से कलरलेस होंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, कंडीशन बताइए, कौन से कलरलेस होंगे, कौन से आयंस कलरलेस होंगे, बताइए जल्दी से स्टूडेंट। क्या इसका मैंने बताया था आपको 5F0, 5F7 और 5F14, इनके पास जो देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती FF में, तो वो कलरलेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 5F0 वाले जैसे कि एक्टिनियम 3+ जो है स्टूडेंट, इसके आयंस कलरलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये हो गया 5F0, इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन 5F0, तो ये कलरलेस हो जाएंगे। और आपने देखा सीरियम 3+, ये 5F7 है, ये भी आयन कलरलेस होते हैं स्टूडेंट्स। ये पॉइंट्स को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। जबकि यूरेनियम 3+ के जो आयन्स होते हैं स्टूडेंट, वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 5F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो FF ट्रांजिशन हो सकती है। जिनमें भी FF ट्रांजिशन हो सकती है वो कलर्ड हो जाते हैं, जैसे कि नेपच्यूनियम 3+ भी स्टूडेंट कलर्ड होता है, क्योंकि ये 5F4 है। तो जिनके पास सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड आयंस फॉर्म करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जाए। और इसके बारे में मैंने क्या बताया अभी, इसके बारे में और भी देख लीजिए कि और इंटरेस्टिंग बात क्या है इनके बारे में स्टूडेंट, फर्दर पॉइंट क्या है कि ये जो हैं हमारे पास एक्टिनॉइड्स, ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इनके जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो उनका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरा मैग्नेटिक होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनका मैग्नेटिक करेक्टर भी बढ़ेगा, मतलब पैरा मैग्नेटिज्म बढ़ेगी, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और क्योंकि इनका साइज बड़ा है, और इनका जो 5F सबशेल है वो ज़्यादा लेस डीपली बरीड है स्टूडेंट, तो इनकी टेंडेंसी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की लेंथेनाइड से ज़्यादा है, क्योंकि इनका हायर चार्ज
हायर चार्ज बाई रेडियस रेशियो हो जाती है और 5F की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वो डीपली बरिड नहीं है, 4F डीपली बरिड है, ये फ़र्क है दोनों में, तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है स्टूडेंट्स। अब और कुछ पॉइंट्स देखें, जब आज हम बात अभी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा उसके पहले देखें कि ये जो एक्टिनॉइड्स हैं स्टूडेंट, इनके बारे में ज़्यादा हमारे पास रिएक्शंस का इंफॉर्मेशन कम है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एक्टिनॉइड्स बिकॉज दे आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इसलिए इनकी स्टडी में मुश्किल आती है, लेकिन ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं और दीज आर अटैक्ड बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनके यूजेस के बारे में क्वेश्चन आता है, यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स। स्टूडेंट्स लैंथेनाइड में तो मैंने बताया ही, मिश मेटल का काफ़ी यूज़ हो रहा है और वो फॉस्फोर के रूप में यूज़ होते हैं टीवी स्क्रीन्स में, क्योंकि वो कैमिल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी एक बताई है, वो एमिट करते हैं लाइट को जब वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो मेनली ये और इनके कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे थोरियम है, यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, ये एक अच्छे न्यूक्लियर फ्यूल्स के रूप में यूज़ किए गए हैं। तो ये क्या यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स, और आपको पता कि न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक एनर्जी आप बनाते हो स्टूडेंट और एटॉमिक बॉम्ब भी बनाते हो, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। जो थोरियम होता है स्टूडेंट, थोरियम जो होता है ये एटॉमिक, ये हमारा एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक रिएक्टर में हमें थोरियम चाहिए, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो थोरियम का यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, और इसके बाद यूरेनियम जो है, यूरेनियम आपको पता ही है, इसके आइसोटोप 92U235 और 238 है, और ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब यहाँ से एनर्जी निकलेगी, न्यूक्लियर फ्यूल है, फ्यूल कौन सा होता है जो एनर्जी लिबरेट करता है, तो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी यूज़ होगा। तो और एटॉमिक, और आपको पता ही है कि ये यूज़ हो किया गया स्टूडेंट्स यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, और इसके ऊपर जो हमने आपको बताई प्लूटोनियम स्टूडेंट, प्लूटोनियम PU, तो ये एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज़ हो रहा है और एटॉमिक बम बनाने के यूज़ में भी आया, एटॉमिक बम भी इससे बनाए गए स्टूडेंट, प्लूटोनियम से। अब आया कि कंपैरिजन करना है, हमें कंपैरिजन करना है, वी हैव टू कंपेयर स्टूडेंट, कंपैरिजन यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये क्वेश्चन कई बार आया स्टूडेंट्स। तो कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज होंगी और डिसिमिलैरिटीज होंगी, तो सिमिलैरिटीज क्या हैं, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड हाउ विल वी कंपेयर, इनको कैसे कंपेयर किया जाए, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं स्टूडेंट। देखो सिमिलैरिटीज की बात करूं मैं लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, फिर आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स बोथ इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो एफ ऑर्बिटल्स के अंदर हो रही है, दोनों में ही हो रही है, एक में 4F में हो रही है लैंथेनॉइड में, और एक्टिनॉइड्स में कौन सी हो रही है, 5F में, और दे बोथ शो स्टूडेंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या है स्टूडेंट, +3, तो +3 के कंपाउंड दोनों में ही मिलेंगे, दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में हमें मिलते हैं, बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टूडेंट, दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं,
तो ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, बोथ शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इनके जो कंपाउंड्स हैं और आयन्स हैं, हमने बताया जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। क्या शो करेंगे? पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होंगे। और क्या इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट, इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि कलर्ड जो हैं इनके, ये कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं स्टूडेंट ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन होती है और उससे कलर्ड आयंस बन जाते हैं। और क्या देखा था आपने लैंथेनाइड के अंदर स्टूडेंट, आपको कोई याद है तो बताइए, क्या देखा था आपने, क्या ऑब्जर्व किया था लैंथेनाइड में? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुई थी और एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्शन शो की थी। तो ये कंट्रेक्शन तो दोनों ही अपने अकॉर्डिंगली शो कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो स्टूडेंट, आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये आ चुका है पेपर में, फिर आ सकता है कि व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और फिर आ सकते हैं, इनको नोट किया जाए, इनको नोट कर लो। इनको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट, आगे चलता हूँ। इनको नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा स्टूडेंट कि कंपेयर, क्वेश्चन नंबर टू, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। स्टूडेंट्स दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, तो आपने कैसे आंसर करना है ऐसे क्वेश्चन का। देखो इनमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो मैं बता रहा हूं, पेपर में आए हुए हैं, फिर आएंगे। तो आपने लिखा यहां पर मेरे पास है लैंथेनॉइड्स, यहां पर मेरे पास है एक्टिनॉइड्स। स्टूडेंट्स अब इनमें, इनका अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व स्टूडेंट, ये कहां से शुरू हुए थे, लेंथन से, लेंथनम सीरियम से कहां से गए थे आप? तो ये आपके 57 से शुरू हुए थे और 71 एटॉमिक नंबर तक गए थे। कौन से एलिमेंट थे? 57 से 71 तक ये एलिमेंट्स गए थे। और एक्टिनॉइड्स में क्या हुआ था स्टूडेंट, आप कहाँ से शुरू हुए थे? ये तो 89 था, ये 89 था स्टूडेंट। और 90 वाला कौन सा था, 90 वाला कौन सा था, एक्टिनियम थोरियम। तो ये 103 तक एटॉमिक नंबर तक गए थे LR। तो इस तरह से ये एटॉमिक नंबर का आप वेरिएशन देख रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि वो आपको कहेगा कि एटॉमिक नंबर 61 बताइए कि ये किस लेंथ, कौन से सीरीज को बिलोंग करता। तो आपको पूछ लिया उसने क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर 61 विच सीरीज इट बिलोंग्स, तो ये इसके अंदर आ रहा है, तो वो लेंथेनाइड का एलिमेंट होगा, लेंथेनाइड का एलिमेंट होगा स्टूडेंट।
इसमें क्या हो रहा है कि 4f ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स किसमें जा रहे हैं, 4f1 से 4f14 तक जा रहे हैं। इसमें कौन सा ऑर्बिटल फिल हो रहा है स्टूडेंट, 5f ऑर्बिटल इज बीइंग फिल्ड स्टूडेंट। तो 5f में 1 से 5f14 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे। तो ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ज्यादातर एलिमेंट कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। एक कोई एक्सेप्शन हो सकती है जैसे पीएम प्रोमोथियम, और ये ऑल एक्टिनाइड्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव है। ऑल एक्टिनाइड्स दे आर स्टूडेंट रेडियो एक्टिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बहुत कम टेंडेंसी है या लो टेंडेंसी है, मैं ये कह रहा हूं बहुत ही लो टेंडेंसी है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। और एक्टिनॉइड्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि 5f जो है 5f सब शेल वो लेस वैलिड है देन 4f स्टूडेंट्स, तो उससे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। और ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी देखी स्टूडेंट तुमने, +3 और फ्यू एलिमेंट्स कहां मिले आपको, +2 में और +4 में, बहुत फ्यू, एक या दो दो मिले, दो दो मिले बस। और यहां पर आपको क्या मिला ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्टिनाइड्स में, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्वेश्चन आ सकता है कंपैरिजन +3, +4, +5, +6 और +7 भी मिली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स, दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिली। इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूं, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो स्टूडेंट, इसको नोट कर लो। कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर सिमिलरिटीज हैं या डिसिमिलरिटीज हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, क्वेश्चन आया, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये नोट कर लिया जाए सारा कुछ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स फिर, और कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, मेरे पास है लेंथेनॉइड्स, मेरे पास है एक्टिनॉइड्स स्टूडेंट। कितनी प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको, 6 का डिस्कशन हो गया। 7th में स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये जो लेंथेनॉइड्स हैं स्टूडेंट, अब इसमें जो आपने देखा कि लेंथेनाइड्स के अंदर यूरेनियम, ये लेंथेनाइड्स में क्या हुआ कि इनके कोई यूजेस अगर देखें, यूजेस में देखें तो क्या डिफरेंस है, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं, दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस, नाइट विजन गूगल्स जो होते हैं स्टूडेंट, गोगल्स जो होते हैं, नाइट विजन गोगल्स, ये आर्मी वाले बहुत यूज करते हैं रात को देखने के लिए, रात को देखने के लिए जो चश्मा लगाते हैं, रात को देखने के लिए चश्मा लगाते हैं, रात को दिखता। और ये यूज हो रहे हैं स्टूडेंट पेट्रोलियम रिफाइनिंग और एलॉयज बना रहे हैं, जिसके मैंने बताया था मिश मेटल, जो बुलेट्स बनाने के काम आता है स्टूडेंट्स,
और फास्फोर्स के रूप में यूज हुई, फास्फोर्स टीवी स्क्रीन्स के अंदर लाइट एमिट करते हैं। और ये मेनली न्यूक्लियर, ये डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनका यूज हो रहा है, एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज हो रहा है। आपको पता ही ये एलिमेंट्स किसके लिए यूज हो रहे हैं, प्लूटोनियम जो है वो एटम बम बनाने के लिए यूज होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के यूज होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब कह लो चलो। तो ये मतलब डिफेंस में, वारफेयर में यूज हो रहा है, वीपन, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वीपन्स बनाने के काम आ रहा है स्टूडेंट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बॉम्ब, इस तरह से जो आप बना रहे हैं। इनके कोई स्टेबल आइसोटोप्स नहीं है, नो स्टेबल आइसोटोप, इनके स्टेबल आइसोटोप्स नहीं है। रेडियो एक्टिव है सारी, सब रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या करते हैं, वो एमिट करेंगे रेडिएशंस को, रेडिएशंस को एमिट करेंगे स्टूडेंट। और ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये तो हमें नेचर में मिल रहे हैं, इन नेचर। सिंथेटिक का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये मैन मेड है, मैन मेड है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बनते हैं। तो इसीलिए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर दो स्टूडेंट्स जिनका एटॉमिक 92 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। आफ्टर 92 यूरेनियम जो एलिमेंट आते हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांस यूरेनियम मतलब मैन मेड है, वो सिंथेटिक है, वो मैन बना रहा है उनको, आदमी बना रहा है। तो यहां पर आपको कुछ कंपैरिजन दिख रहा है। और अब और क्या इनमें डिफरेंस दिख रहा है स्टूडेंट, ये कंपैरिजन का एक मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस अगर पूछ लेगा पेपर में, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड स्टूडेंट्स, वहां पर आपने सिमिलरिटीज देखी और डिफरेंसेस में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो एक तरफ आपके लैंथेनॉइड्स हैं, यहां पर है एक्टिनॉइड स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है स्टूडेंट, ऑर्बिटल कौन सा है, 4f, तो 4f की जो बाइंडिंग एनर्जी है स्टूडेंट हायर है, बाइंडिंग एनर्जी इज हायर। तो ये ज्यादा बाइंड है न्यूक्लियस से, ज्यादा न्यूक्लियस से बाइंड है स्टूडेंट। तो फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मिली, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मिली वो प्लस फोर मिली। इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाइंडेड है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है, तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी 5f की है स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 5f ऑर्बिटल स्टूडेंट, 5f ऑर्बिटल ठीक है, लोअर देन 4f ऑर्बिटल। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिली। तो दे कैन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट, कौन कौन सी मिली आपको बताइए, प्लस फोर भी मिली, प्लस फाइव भी मिली और प्लस सिक्स भी मिली स्टूडेंट। इस तरह जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिली और हायर मिली, प्लस सिक्स यहां तो मिला नहीं, यहां मिला, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है 5f की एज कंपेयर टू 4f, ये लेस बरीड है, ये लेस बरीड है 5f, ये ज्यादा डीपली बरीड है इनसाइड, तो इसके कारण ये डिफरेंस आया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो 4f है, 4f की जो शील्डिंग इफेक्ट है, 4f का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मोर है देन
5f ऑर्बिटल, और इसका क्या है 5f का जो स्टूडेंट शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअरर है, पुअरर है देन 4f, देन 4f ऑर्बिटल, इससे भी पुअरर होता है 5f का, ये ज्यादा एक्सपोज्ड है स्टूडेंट, ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो ये ज्यादा एक्सपोज्ड है। और कंपाउंड्स जो है स्टूडेंट, अब इनके बारे में आपने देखा कि ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये कम्प्लेक्सेस नहीं फॉर्म कर रहे क्योंकि 4f ऑर्बिटल डीपली बरीड है स्टूडेंट्स, 4f ऑर्बिटल इज डीपली बरीड स्टूडेंट, डीपली बरीड, या इसे एम्बेडेड भी कहते हैं, एम्बेडेड इन द एटम, और एज कंपेयर टू 5f स्टूडेंट, तो 5f का जो ऑर्बिटल है वो लेस बरीड है, वो आप देख रहे हैं ज्यादा एक्सपोज्ड है, वो लेस बरीड है देन 4f, मोर एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग्स है, more exposed to surroundings as students, तो इसलिए वो कंप्लेक्स बनाते हैं, कंप्लेक्स फॉर्म करते हैं, ये कंप्लेक्स फॉर्म करते हैं, इनके कंप्लेक्सेस हमें पता है, यहां पे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये टॉपिक आज खत्म हो रहा है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स का, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है, ये क्वेश्चन सारे आए, सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट स्टूडेंट। आगे चलते हैं, यहाँ पर है लैंथेनाइट्स, यहाँ पर मेरे पास है एक्टिनाइट्स स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए स्टूडेंट। आगे चलते हैं, अब और क्या आपने देखा इनमें कि ये तो नॉट रेडियो एक्टिव है, ये सारे ही आल आल आर रेडियो एक्टिव, तो इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सारे ही रेडियो एक्टिव है, फिर इनका सारा न्यूक्लियर रिएक्शन में स्टडी करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट, इनको मुश्किल हो जाती है। अच्छा अब क्या होगा, तो इनके लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो लेस है देन एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, बिकॉज 5f की स्क्रीनिंग, 5f शील्डिंग इफेक्ट इज पुअरर, 5f शील्डिंग इफेक्ट पुअरर देन 4f ऑर्बिटल, तो उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज मोर देन ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नोट किया जाए। देखो कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, तो इसके ऊपर दिमाग लगाओ, इनके ऊपर दिमाग लगाना, तो ये वाले लेस बेसिक हैं, ये मोर बेसिक हैं, ये कितना था 4th, 5th, 6th, ये उनसे भी ज़्यादा बेसिक होंगे, और ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायंस, इनके ऑक्सोकेटायंस नहीं बनते, ये बनाते हैं, दे फॉर्म एक्टिनॉइड्स के होते हैं फॉर्म ऑक्सोकेटायंस, ऑक्सोकेटायन कौन कौन से बनते हैं इनके, देखो यूरेनियम के बनते हैं स्टूडेंट, यू ओ टू प्लस भी बनता है, यू ओ प्लस भी बनता है स्टूडेंट, और नेपच्यूनियम का ऑक्साइड का भी 2+ बनता है,
और इस तरह के इनके ऑक्साइड्स मिले हमें, प्लूटोनियम के भी मिले। ऐसे कंपाउंड यहां नहीं मिले, ऐसे कंपाउंड यहां नहीं मिले। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, इनके अंदर डिफरेंसेस, और ये सिर्फ एक ही इनका होता है रेडियो एक्टिव, मैं उसका भी नाम बता दूं क्योंकि आप कहोगे कि फिर हमने आपको बताया नहीं। तो ये देखो सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट 1 PM जो हमने बताया प्रमोथियम, तो PM ये रेडियो एक्टिव होता है, बाकी नहीं है। अब ये जो सारे हमने बताए हैं स्टूडेंट, इनके अंदर डिफरेंसेस, तो ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजी है एक्सप्लेनेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है स्टूडेंट, इट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने बताई थी ट्रांजिशन एलिमेंट में, स्पिन ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहां पर स्पिन नहीं होती, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी यूज होती है। अब इनकी और भी कॉम्प्लेक्स है, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर मोर कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिफिकल्ट है, कैन नॉट बी आर मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि 5F ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमने आपको बताए इनके अंदर डिफरेंसेस, जो बेसिक कौन से होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, और यहां पर इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा बेसिक हैं। और आपको ये तो हमने बता ही दिया है कि ये जो फर्दर हमने बताया था कि ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जो होती है वो मोर देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ये लेक्चर जो है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया स्टूडेंट हमारा। और इसके आगे फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, जो है कौन से कंपाउंड आएंगे, वो आपके लेंथेनाइड एक्टिनाइड खत्म हो गए, और फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, और जो बाकी चैप्टर हैं वो हम करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन इसके आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कैसे करने हैं, उनके जवाब आपको आने चाहिए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो देखो इसने क्वेश्चन आपसे पूछा स्टूडेंट, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाई? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इसका आंसर तुम्हें पहले ही पता है कि 5F सबशेल जो होता है उसकी शील्डिंग पूरर है एज कम्पेयर टू 4F, तो 5F जो है इसकी पूरर शील्डिंग है देन 4F। अब ये कह रहा है व्हाट आर एलॉयज नेम इंपॉर्टेंट एलॉय व्हिच कंटेन सम ऑफ द लेंथेनाइड मेटल मेंशन यूजेस। तो लेंथेनाइड का अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि कौन सा एलॉय यूज कर रहे हो, मिश मेटल, तो उसका यूज भी आपको पता है, और भी चेक करो। अब व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सीधी डेफिनेशन पूछी गई है क्वेश्चन पेपर में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 4F सब शेल में भरे जाते हैं स्टूडेंट और 5F में भरे जाते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बताओ कि इनमें से कौन से हैं। ये जो आपको एटॉमिक नंबर दे दिए इसने, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कहां से कहां स्टार्ट हुई थी। आपको मैंने टेबल दी थी, टेबल इसलिए दी थी कि सीरीज कहां से कहां स्टार्ट हुई थी, तो अगर एक्टिनियम थे तो वो कहां से कहां चल रहे थे, एक्टिनाइड सीरीज कहां से गई थी, एक्टिनियम 89 और उसके बाद कौन सा आया था थोरियम 90 और ये लास्ट एलिमेंट LR कितने पे गया था 103 पर। ये एटॉमिक नंबर्स दिए थे आपको, और लेंथेनाइड्स में भी हमने आपको दिए थे, क्या दिए थे लेंथेनाइड्स में, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 था और 58 था सीरियम का, यहाँ से ये 5F सीरीज शुरू हो गई थी
और लास्ट वाला क्या था, लुटीशियम स्टूडेंट। तो आपको ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी पता थे, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसका कितना था, 71। तो आप क्वेश्चन है 29 तो इसमें है नहीं, 59 कहाँ है, 59 इसमें है। तो 59 जो है स्टूडेंट, 59 एटॉमिक नंबर, ये कौन से सीरीज को बिलोंग करता है, 4F, ये लेंथेनॉइड है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। 74 कहाँ दिख रहा तुम्हें, इसमें तो 74 है नहीं, इसमें भी नहीं है। 95 कहाँ दिखा स्टूडेंट, 95 इसमें आ गया। तो 95 जो है ये 5F सीरीज का है, और कौन सा है, 102 भी इसमें आ गया 5F का, ये एक्टिनॉइड्स हैं, और ये 59 वाला लेंथेनॉइड्स हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आता है, ये वाले एलिमेंट 59 स्टूडेंट, और ये आपको दिख रहा है 95 और 102, ये तीन एलिमेंट है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें तीन एलिमेंट है, 59 वाला, 95, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड, जस्टिफाई बाय गिविंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। बताओ इसका कैसे आंसर करोगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, हमने सारा डिटेल में बता दिया कि एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो फिर इनकी केमिस्ट्री स्मूथ कैसे होगी। और दूसरा आपने देख लिया कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, +6 +7 तक जा रही हैं, क्योंकि 5F की शील्डिंग पुअर है। अब विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। तो एक्टिनॉइड का लास्ट एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट, लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड हमने कौन सा लिखा है, LR। तो LR की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, और मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तभी तो बताओगे, 103 है, 103 है। तो इसका आपको हमने यहाँ पर देखो, आपके पास हमने टेबल दी थी आपको, ये है LR +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये देखो 103 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5F14 6D1 7S2, तो +3 तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये LR लॉरेंशियम क्या है, 5F14 6D1 7S2। ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर होंगे, तो +3 में तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो LR3+ जो होगा वो 5F14 बचेगा, ये जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। देखो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना बहुत जरूरी है, उससे काफी क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन के आंसर कैसे करने, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है। विच इज द लास्ट, ये तो हो गया, यूज हंट्स रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम, सीरियम का वो कह रहा है कि सीरियम 3+ आयन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, ये लेंथेनॉइड का एलिमेंट है, और उसका आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सीरियम के अंदर स्टूडेंट, सीरियम कहाँ पे मिला था, ये रहा 58, तो 58 में सीरियम है आपके पास, तो आपने क्या बनाया था, ज़ीनॉन का ये 54 था ज़ीनॉन स्टूडेंट, तो आपके पास कितने थे इसमें, 6s2, और आपने 6s2 में थे, और सीरियम के पास कितने हैं 3+ में, आपने डी में डाला था एक, कितने हो गए 54, और एक 4F1 में डाल दिया, तो अब अगर तीन इलेक्ट्रॉन, कितना कौन सा बता रहा है ये सीरियम 3+, तो फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आपने निकालना है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता ही है, स्पिन ओनली फार्मूला यूज करोगे तो क्या होता है, n(n+2) स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटोन में, तो इसकी वैल्यू निकाल लो 1 तो कितना आ गया, स्केयर रूट 3 आ गया, स्केयर रूट 3 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1.7 समथिंग होगी,
तो इस तरह से ये वैल्यू निकाल सकते हो. नेम द मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच एग्जिबिट प्लस फोर एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वो कह रहा कोरिलेट करो, ट्वेल्थ क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट करो. मैंने हमेशा ही कहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे आंसर होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोडियम. तो जब सीरियम फोर प्लस बनेगा तो ये इसके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ जीनोन, चार इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास. तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन सीरियम फोर तो शो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो गया प्लस फोर वाला. और कौन से हैं इसके जो प्लस फोर शो करते हैं? आपके पास जब कभी भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो जिनके पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, वो फोर वाले शो करेंगे. तो आपको सारा कुछ हमने इसमें बता रखा है कि 4F0 वाले, 4F7 वाले, 4F14 वाले स्टेबल होती हैं ऑक्सीडेशन. तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का यूज़ करना है. सीरियम फोर प्लस तो आपको पता ही है, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू की बताई, समेरियम की, प्रोमेथियम, नेडोलियम की भी बताई, और सीरियम ने प्लस थ्री प्लस फोर दोनों दिखाई, प्रेजिडोनियम ने भी प्लस थ्री प्लस फोर दिखाई. इस तरह से जो अरबियम है, थूलियम है, प्लस टू भी आई वहाँ पर. तो ये ऑलरेडी आपको हम करवा चुके हैं, इसके बारे में आप दोबारा से देखो. कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स एंड एंथ्राइड्स विद रेफरेंस टू. देखो अब हमने सारा आपका कंपैरिजन कर दिया. मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स. तो आपने देखा किसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनी है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी में क्या आया, और उसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप लिखो कि ये वाले लैंथेनाइड सीरीज के हैं, 91 कहाँ पर आ रहा है आपका, तो इनकी भी आपने लिखनी है. ये एक्टिनॉइड्स का है, और 109 की आप कह दी, उसने 109 तो आउट है यहाँ से, लेकिन हाँ आपको लिखनी है तो लिखो वही रूल यूज़ करके. तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन आ गया, वाई एल ए ओ एच इज मोर बेसिक देन लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स. ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है स्टूडेंट, मोर बेसिक है. ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, इसका आंसर कौन कर रहा है स्टूडेंट? 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी बताओ कि ये मोर बेसिक क्यों है. ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, वाई इट इज मोर बेसिक. क्योंकि लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा है स्टूडेंट, आपको पता तो है लैंथेनम 3+ जो है, ये कटायन का साइज, ये ड्यू टू लार्जेस्ट एटॉमिक आयनिक रेडियाई. तो लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई है लैंथेनाइड सीरीज में, बाकी तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन से साइज कम हो जाते हैं. तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मोर बेसिक है, मोर बेसिक है स्टूडेंट. वाई जीरकोनियम इज सिमिलर टू हॉफनियम, क्योंकि दोनों के साइज जो हो जाते हैं, दोनों के साइज सिमिलर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण. ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण स्टूडेंट, जो आपको बताया था 5D और 4D के साइज जो हैं वो सिमिलर हो जाते हैं. जब उनके साइज सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं स्टूडेंट्स. और ये क्वेश्चन आ गया लास्ट, व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. तो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है, और वो एलिमेंट्स मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं. तो एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, दे आर मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं ये. तो यहाँ पर यह टॉपिक हमारा फिनिश हो गया स्टूडेंट. एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड खत्म हो गए, उनके काफ़ी क्वेश्चंस जो भी बुक में दिए हैं वो भी हमने डिस्कस किए आपके साथ. तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. तो आप इनके क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ इन पे प्रैक्टिस करते रहो, और हमारे जितने भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं यूट्यूब में उनको सुन लीजिए, उनमें बहुत क्वेश्चन हैं. जैसे आज भी इतने सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. आपको लोडेड हमारे YouTube में लेक्चर्स मिल जाते हैं, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो स्टूडेंट्स आप उसको सुन सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जरूर ही करने हैं पेपर से पहले. ओके देन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. ओके.